आलू बैंगन की सब्ज़ी बहुत कम खाना पसंद करते हैं, लेकिन बैंगन का भरता सभी खाना पसंद करते हैं। तो इस बैंगन के भरते को हम बहुत ही स्वादिष्ट बनाकर तैयार करेंगे, इसीलिए आज की इस वीडियो को पूरा देखिए। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोनिका त्यागी, आप सभी का स्वागत है मोनिकाज किचन में। चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी बैंगन के भरते की रेसिपी को। रेसिपी को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो कृपया नीचे लाइक बटन को ज़रूर दबाइए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो बैंगन का भरता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 500 ग्राम बैंगन लिए हैं, और आपको इसके लिए जो लंबे वाले बैंगन होते हैं तो वो यूज़ नहीं करने हैं, गोल वाले बैंगन आपको इसके लिए इस्तेमाल करने हैं। इस तरीके के जो गोल वाले बैंगन होते हैं तो वो आप इसके लिए लीजिए। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखें कि जो बैंगन है उसके अंदर वज़न नहीं होना चाहिए, हल्का होना चाहिए वो वज़न में। अगर वो हल्का होगा तो उसके अंदर ज़्यादा बीजें नहीं होंगी। तो सबसे पहले बैंगन को अच्छे से धोकर पोंछ लें, उसके बाद में हम उसके ऊपर इस तरीके से तेल लगा लेंगे। तेल लगाने से क्या होगा कि हम इसको भूनकर तैयार करेंगे। जैसे हम इसको भूनेंगे तो इसकी जो ऊपर वाली स्किन है वो ज़्यादा नहीं जलेगी और ये अच्छी तरह से अंदर तक भूनकर तैयार हो जाएगा। अब बैंगन को भूनने के लिए गैस को ऑन कर लें और धीमी आँच पर आप इसको इस तरीके से उलटते पलटते हुए भूनकर तैयार कर लीजिए, या फिर आप इसको इस तरीके से स्टैंड के ऊपर रखकर भी फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए, धीमी आँच रखिए और धीमी आँच पर आप इसको इस तरीके से उलटते पलटते हुए अच्छी तरह से भूनकर तैयार कर लीजिए। हमने जो ये बैंगन के ऊपर तेल लगाया है तो इससे हमें यही फायदा है कि जो ये इसकी ऊपर वाली स्किन है वो जल्दी से नहीं जलेगी, बाद में ये जलेगी, लेकिन पहले जो बैंगन है वो अंदर तक भून जाएगा, उसके बाद में ये ऊपर की स्किन जो है वो जलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अच्छी तरह से बैंगन को भून लें। अब जैसे ही हल्का सा ठंडा हो जाए तो आप इस तरीके से इसका छिलका अलग कर दीजिए। यहाँ पर बैंगन का भरता बैंगन को भूनकर बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसको उबालकर भी बना सकते हैं। आप इस तरीके से साफ बैंगन लीजिए और प्रेशर कुकर के अंदर एक सीटी से पहले गैस को बंद कर दें। तो इस तरीके से आप बैंगन को उबालकर भी छीलकर तैयार कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसकी जो स्टिक है तो इसको अलग कर सकते हैं, या फिर आप इसको भरते के अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके स्टिक को यहाँ पर हटा दिया है। और अब हम बैंगन को इस तरीके से अच्छे से मैश कर लेंगे। जब भी आप बैंगन को भूनें तो इस बात का ध्यान रखें कि बैंगन के अंदर कोई भी छेद नहीं होना चाहिए। अब एक ग्राइंडर जार लेंगे और जार के अंदर मैंने यहाँ पर ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को काट कर डाल दिया है। 1 इंच अदरक को इस तरीके से छोटे टुकड़ों में काट कर डाल देंगे। 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ली है मैंने, और 2 हरी मिर्ची, इसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे, और इन सभी का हम फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो चुका है, इसे हम साइड में रख देंगे। और अब भरता बनाने के लिए गैस ऑन करके कढ़ाई रख दें। कढ़ाई के अंदर 2 बड़े चम्मच तेल डाल दें और तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लें। गैस की फ्लेम को लो कर दें और इसके अंदर 1/2 छोटा चम्मच जीरा डाल दें। और जैसे जीरा हल्का सुनहरा हो जाए तो इसके अंदर हम यहाँ पर ये 2 बड़े साइज़ की प्याज को इस तरीके से लंबाई में काट कर डाल देंगे। अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। प्याज का हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं करना है, केवल हल्का गुलाबी होने तक आप इसे भून लें। जैसे प्याज इस तरीके से हल्की सी गुलाबी हो जाए तो उसके बाद हम इसके अंदर यहाँ पर ये 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। इसके साथ ही मैं इसके अंदर यहाँ पर 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। तीखा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हमने पेस्ट के अंदर भी 2 हरी मिर्ची को पीस कर लिया था, तो अपने हिसाब से आप इसके अंदर तीखा डालें। दोनों को हल्का सा मिला लें। लाल मिर्च और हल्दी पाउडर को इस स्टेज पर डालने से सब्जी का कलर काफ़ी अच्छा आता है। और तुरंत ही हम इसके अंदर यहाँ पर ये टमाटर, अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे। मिला लेंगे इसे भी इसके साथ में अच्छे से। अब पैन को कवर कर देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर से तेल अच्छी तरह से अलग ना होने लगे। बीच बीच में ढक्कन हटाकर आप इसको चलाते रहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टमाटर है इससे हल्का सा तेल अलग होने लगा है। तो अब हम इसके अंदर यहाँ पर ये 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 3/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे, टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दें या 1 छोटा चम्मच नमक डाल दें। मिला दें तीनों को अच्छे से। अब पैन को कवर कर देंगे और पैन को कवर करके हम इसे यहाँ पर लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए थोड़ा सा पका लेंगे। और 1 मिनट के बाद ये पैन का ढक्कन हटाएंगे हम, और आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरह से पककर तैयार हो गए हैं, काफ़ी अच्छी खुशबू इसमें आ रही है। तो अब हम इसके अंदर यहाँ पर ये भुने हुए बैंगन को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैंगन को आप इस तरीके से करछी के नीचे वाले भाग से थोड़ा दबाते रहिए और अच्छी तरह से आप इसके साथ में मिक्स कर दें।
अब पैन को कवर कर देंगे और पैन को कवर करके हम इसे यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर पका लेंगे। और 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको यहाँ पर धीमी आंच पर पका लिया है। तो एक बार हम इसको इस तरीके से चला लेंगे और अब हम इसके अंदर यहाँ पर आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दें, मिला लेंगे दोनों को अच्छे से। अब बैंगन के भरते को हल्का सा ठंडा होने दें और जैसे ही हल्का सा ठंडा हो जाए तो इसके ऊपर से आधे नींबू का रस डाल दें और ये बहुत ही टेस्टी हमारा बैंगन का भरता सर्व करने के लिए तैयार है। तो अगर आपको आज की वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ 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 नीचे लाइक बटन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि आप लोगों के लाइक मुझे मोटिवेट करते हैं। तो प्लीज़ नीचे लाइक बटन को ज़रूर दबाया करें ताकि मैं आगे भी आपके साथ इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो शेयर कर पाऊँ। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। फिर मिलती है एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।